आमिर खान की फिल्म पीके का एक पोस्टर आजकल चर्चा में है। यह है वो पोस्टर, चौंकाने वाली इस पोस्टर की हर तरफ चर्चा है। पोस्टर इतना हैरान करने वाला है कि फिल्म समीक्षक भी इस पोस्टर को देखकर हैरान है। आप भी देखिए आमिर की फिल्म पीके का नया पोस्टर का ये नया लुक। लो जी, आमिर ने बोल दिया और आपने सुन लिया। पीके की भाषा में अब आप अपना भेजा दौड़ाते रहिए। ये पीके आखिर है क्या बला? पीके बीच रेलवे ट्रैक पर क्यों खड़ा है और जो कपड़ों से बचाना चाहिए वो इस ट्रांजिस्टर से छिपाने की क्या मजबूरी है? पीके की भाषा में कहें तो ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं, जरा भेजा लगाइए। इस पीके के लिए आमिर को न्यूड होने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो दौड़ाते रहिए भेजा, निहारते रहिए पोस्टर, आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा सिवाय पीके के एक इन्विटेशन के सिवा। फोटो खिंचाने का है का? तो आधार बगलिया मा, दुआओं का याद रखो, चलो आ जाओ। आमिर खान यहाँ भोजपुरी में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आप क्या ऐसे देख रहे हो, ये पीके है और अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ एक पिक्चर खिंचाए तो बस जाइए उनके साथ में खड़े हो जाइए और एक पिक्चर खिंचा लीजिए। मुझे हैरानी इस बात की है कि मुझे इस परिवार में जन्मे वो मसाला फिल्म बनाने के लिए मशहूर है, पर आमिर ने लगान से जो अपना करियर शुरू किया है वो लगातार प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर नई चीज़, नया विचार, नया कॉन्सेप्ट हमेशा सफल होता है। आइडिया तो पैसा है आज के ज़माने में। तो अब समझ में आई बात, या यूं कहें कि आमिर का ये नया पब्लिसिटी स्टंट एक पोस्टर से ऐसी उत्सुकता जगाई कि देखने वाले एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए इस सवाल के साथ कि सारे कपड़े ताक पर रखकर पीके आखिर कहना क्या चाहता है। बहुत ही शॉकिंग पोस्टर है, किसी ने नहीं सोचा था कि राजकुमार हिरानी की फिल्म जिसमें आमिर खान है, आमिर खान न्यूड पोज करेंगे और इस किस्म का पोस्टर लोगों को शॉक कर चुका है। और मेरे ख्याल से इतनी चर्चित हो गई है ये फिल्म ये पिछले 10-12 घंटों में जब से ये पोस्टर रिलीज हुआ है कि अब उत्सुकता इस फिल्म को देखने की, पीके को देखने की उत्सुकता मेरे ख्याल से 100 गुना बढ़ गई है। आमिर के इस न्यूड स्टंट पर दर्शक तो दर्शक, फिल्म समीक्षक भी देखकर चौंधियाए हुए हैं। आमिर लीक से हटकर काम तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर प्रमोशन की पटरी ही बदल दी। इसमें सिर्फ उनकी सोच नहीं है, कहीं ना कहीं हिरानी जी की भी सोच है, बाकी विधु विनोद चोपड़ा की भी अपनी सोच रही होगी, क्योंकि दोनों प्रोड्यूसर हैं। उस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया और जो शॉक वैल्यू है जो पोस्टर देती है और एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है। आमिर ने अब प्रमोशन की पटरी बदली है तो सवाल भी नए उठ रहे हैं, पीके के मतलब भी नए नए निकाले जा रहे हैं। जैसा कि नाम से पहला मतलब सूझ रहा है, पीके किसी पियक्कड़ के किरदार का नाम है या फिर माजरा कुछ और है। पीके में आमिर खान के लुक्स पहले भी लीक हुए थे जिसमें वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हाथ में ट्रांजिस्टर लिए हुए दिखते हैं, लेकिन इससे भी असली किरदार का कोई अता पता नहीं मिला। देखकर जानने की उत्सुकता चाहे जितनी हुई, इस फिल्म की कहानी को लेकर इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई है कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर पीके क्या है। टाइटल भी बड़ा अनयूजुअल सा, पीके, यू नो, पहले कोई सोचते थे पीके, वो वाला पीके, अब पता नहीं पीके क्या है, जस्ट अल्फाबेट पी और अल्फाबेट के। अब वो सीक्रेट धीरे धीरे खुल रहा है, आमिर का स्टंट भी कुछ कुछ समझ में आने लगा है। आखिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो भी करते हैं बिना प्लान के तो करते नहीं, तो पीके के साथ आमिर का क्या है असली प्लान? ये सवाल पोस्टर की तरह सबको चौंका रहा है। राहुल करैया और मनीषा महलदार के साथ सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई आज तक।